स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम गामा फंक्शन की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 8 देखिए क्या है। शो दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस वाई की पावर 4 dy इज इक्वल टू पाई इंटू अंडर 2/4। ये आपने शो करना है किस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है, पाई इंटू अंडर 2/4 आ रही है। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहे हैं हम सॉल्यूशन में। जो आपके पास इंटीग्रल है उसको हम लेट कर रहे हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस वाई की पावर 4 dy। नेक्स्ट आगे हमने क्या करा, पुट करा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू tan t। ठीक है, वाई स्क्वेयर को हमने tan t पुट करा, तो उसका आगे हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2y dy इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वेयर t dt। तो dy की वैल्यू आ गई हमारे पास सेकेंड स्क्वेयर t dt ओवर 2y। क्लियर। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट करी तो क्या बन जाएगा, dy इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वेयर t dt ओवर 2 इंटू अंडर रूट tan t। तो ये आपके पास dy की वैल्यू आ रही है। क्लियर। अब जो आपके पास y की जो लिमिट्स थी वो क्या थी, 0 से इन्फिनिटी है। तो जब आपका y 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी, 0, और जब आपका y इन्फिनिटी है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 2। जो यहाँ पे आप पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो हम इस इंटीग्रल में हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 1/1 प्लस tan स्क्वेयर t इंटू सेकेंड स्क्वेयर t ओवर 2 इंटू अंडर रूट tan t dt। क्लियर। तो जहाँ पे आपके पास y की पावर 4 आ रही थी वहाँ पे क्या आ जाएगा, tan स्क्वेयर t आ जाएगा, क्योंकि y स्क्वेयर को आपने tan t पुट करा है। तो आपके पास वहाँ पे क्या बन गया, tan स्क्वेयर t। ठीक है, और साथ में dy की वैल्यू, dy की वैल्यू क्या है, सेकेंड स्क्वेयर t ओवर 2 इंटू अंडर रूट tan t dt। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जो हमें गामा फंक्शन है उसमें वैल्यूज़ किसकी पता है, साइन और कोज में अगर आ जाए तो हम उसको गामा फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो tan और secant आ रहा है उसको हम कोज और साइन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो सीकेंड स्क्वेयर टी है वो 1 प्लस टेन स्क्वेयर टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, ओनली 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 1/√tan t बचेगा। ठीक है, साथ में dt। अब अंडर रूट tan t आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसको हम साइन कोस में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट कोस टी ओवर अंडर रूट साइन टी। क्लियर। तो हमारे पास अब क्या बन गया, आगे नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या कर रहे हैं हम, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 कोस की पावर कितनी आ रही है, 1/2, और साइन की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2 dt। ठीक है, साइन आपका डिनोमिनेटर में आ रहा था उसको हम ऊपर लेके चले गए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी जो पावर हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, साइन टी की पावर -1/2। ठीक है, तो अब हमने इसको गामा फंक्शन में चेंज करा तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, तो हमने फॉर्मूला में इसकी वैल्यूज पुट कर दी तो मेरे पास आके क्या बन जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद ये आ गया, I इज इक्वल टू 1/4 γ3/4 γ1/4 ओवर γ1। ये आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 1/4 इंटू γ3/4 इंटू γ1/4 ओवर γ1। डन। नेक्स्ट देखिए γ1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था γ1 को आप फैक्टोरियल में चेंज करके कर सकते हैं, γn इज इक्वल टू क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। ठीक है, तो γ1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल के इक्वल होगा और 0 फैक्टोरियल आपकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, डुप्लीकेशन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, γm इंटू γm+1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई ओवर 2^2m-1 इंटू γ2m। ठीक है, तो ये आपका डुप्लीकेशन फॉर्मूला था। तो यहाँ पे आप देखिए क्या आ रहा है आपके पास, γ3/4 γ1/4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैं क्या कर रहा हूँ, m की वैल्यू ले रहा हूँ 1/4। तो यहाँ पे मैंने पुट करी, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें गामा नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने गामा को ख़त्म करना है, तो गामा को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम डुप्लीकेशन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो m की वैल्यू 1/4 पुट करेंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा γ1/4 इंटू γ3/4। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आप देखिए क्या बन रहा है,
जब हमने डुप्लीकेशन फॉर्मूला में m की वैल्यू 1/4 पुट करी तो मेरे पास बन गया गामा 1/4 इंटू गामा 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई ओवर 2 की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू गामा 1/2। ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई गामा 1/4, गामा 3/4 की वैल्यू आ गई अंडर रूट पाई ओवर 2 की पावर माइनस 1/2 इंटू अंडर रूट पाई। अंडर रूट पाई कैसे आया, गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट पाई होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया अंडर रूट 2 पाई। डिनोमिनेटर में आपके पास 2 की पावर माइनस 1/2 आ रही थी, उसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा और अंडर रूट पाई इंटू अंडर रूट पाई क्या बन गया, पाई बन गया। क्लियर, तो अब इसको हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी थी, 1 इक्वेशन नंबर। ठीक है, 1 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 जो हमने यहाँ पे ये लिखी है, गामा 1 इज इक्वल टू 1 होता है और गामा 3/4 गामा 1/4 इसकी भी वैल्यू हमने निकाली है, वो भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो मेरे पास ये आंसर आ गया। तो i की वैल्यू क्या बन गई, 1/4 इंटू अंडर 2 इंटू पाई ओवर 1 इज इक्वल टू पाई इंटू अंडर 2 ओवर 4, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, शो दैट इंटीग्रेशन 0 to ∞ वाई स्क्वेयर ओवर 1 प्लस वाई की पावर 4 डी वाई इज इक्वल टू पाई ओवर 2 इंटू अंडर 2, ये आपने शो करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इंटेग्रल में क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन 0 to ∞ वाई स्क्वेयर ओवर 1 प्लस वाई की पावर 4 डी वाई इज इक्वल टू पाई ओवर 2 इंटू अंडर 2, ये आपने शो करना है। क्लियर, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर लास्ट एग्जाम्पल में करा है, वहाँ पे हमने क्या करा था, वाई स्क्वेयर को टेन टी पुट करा था, यहाँ पे भी हम सेम पुट कर रहे हैं, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू टेन टी। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन टी की पावर 1/2 और साथ में हमने डेरिवेटिव कर दिया तो डी वाई इज इक्वल टू 1/2 टेन टी की पावर माइनस 1/2 सेकेंड स्क्वेयर टी डी टी। ठीक है, अब जब आपका वाई जीरो है तो टी की वैल्यू जीरो, वाई आपका इन्फिनिटी है तो टी की वैल्यू 5/2, बिल्कुल सेम आ रहा है यहाँ तक, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या है, वाई स्क्वेयर यहाँ पे नॉमिनेटर में आपके पास वाई स्क्वेयर आ रहा है तो यहाँ पे टेन टी बन जाएगा, बाकी सारा सेम है। ठीक है, जैसे आपके पास लास्ट एग्जांपल में क्या बचा था, 1/10 बचा था। क्लियर, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर टेन टी बच रहा है। क्लियर, बाकी सारा सेम है, तो आगे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अंडर टेन टी को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन टी की पावर 1/2 ओवर कोस टी की पावर 1/2 डी टी। ठीक है, कोस टी को हम ऊपर ले जाएंगे, फिर हम आगे गामा की वैल्यूज यहाँ पे जो साइन की वैल्यूज़ हैं साइन और कोस की, इसको गामा में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, 1/4 इंटू गामा 3/4 इंटू गामा 1/4 ओवर गामा 1। क्लियर, अभी लास्ट एग्जांपल में हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड करी है, वो क्या आ रही है, अंडर 2 इंटू पाई आ रही थी, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे पुट करा तो आपके पास आंसर आ गया पाई ओवर 2 इंटू अंडर 2। तो नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 10, इंटीग्रेशन 0 to ∞ एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 5 ओवर 1 प्लस एक्स की होल पावर 15 डी एक्स इज इक्वल टू 1/5005। ठीक है, ये आपने शो करना है। तो इसको देखिए कैसे कर रहे हैं, इंटेग्रल को हम i मान रहे हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to ∞ एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 5 ओवर 1 प्लस एक्स की होल पावर 15 डी एक्स। ठीक है, x की पावर 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया आगे तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to ∞ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 9 ओवर 1 प्लस एक्स की होल पावर 15 डी एक्स। क्लियर, नेक्स्ट देखिए इसको, अब इंटेग्रल को हमने अलग अलग करा तो इंटीग्रेशन 0 to ∞ एक्स की पावर 4 ओवर 1 प्लस एक्स की होल पावर 15 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to ∞ एक्स की पावर 9 ओवर 1 प्लस एक्स की होल पावर 15 डी एक्स। ठीक है, तो ये आ गया। तो नेक्स्ट हम इसको बीटा फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये बीटा फंक्शन आपका हमने करा हुआ है इसको, तो x की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 5 माइनस 1। क्लियर, और 1 प्लस एक्स की होल पावर क्या आ जाएगी, 15 आ रही है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 10 लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से m और n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, m आपका 5 हो गया और n आपका 10 हो गया।
ठीक है। सेम एज आप नेक्स्ट वाली इंटेग्रल में भी कर सकते हैं, x की पावर 9 आ रही थी उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 10 माइनस 1 और 1 प्लस x की पावर कितनी हो जाएगी 10 प्लस 5, तो ये आपका क्या बन गया बी 5 10 प्लस बी 10 5, ठीक है। नेक्स्ट हमने सिमेट्रिक वाला बिट्टा में हमने सोल्व करा हुआ है कि ये हमारे पास क्या होता है बी एम एन इज इक्वल टू बी एन एम होता है, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या रहा है बी 5 10 प्लस बी 5 10 इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या बन गया 2 टाइम बी 5 10, क्लियर। इसको हमने आगे गामा में चेंज करा, गामा को आगे हम फैक्टोरियल में चेंज कर देंगे, तो ये आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 11, शो दैट 2 की पावर n इंटू गामा n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 × 3 × 5 × 2n-1 इंटू अंडरूट पाई, ठीक है। ये आपने इस टाइप का कुछ करा हुआ है ना, हमने करा था अभी डुप्लीकेशन फॉर्मूला में गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 दिस इज इक्वल टू समथिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डुप्लीकेशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो सम है उसके अंदर गामा n प्लस 1/2 आ रहा है, यहाँ से हमें थोड़ा सा हिंट मिल रहा है, हम यहाँ पे डुप्लीकेशन फॉर्मूला यूज़ करके इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या है, गामा n इंटू गामा n प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडरूट पाई ओवर 2 की पावर 2n-1 इंटू गामा 2n, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए गामा n से डिवाइड कर देंगे, तो गामा n प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडरूट पाई ओवर 2 की पावर 2n-1 इंटू गामा 2n ओवर गामा n, ठीक है। आगे हमने गामा 2n को फैक्टोरियल में चेंज करा, वो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2n-1 और गामा n किस में चेंज हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 में, क्लियर। नेक्स्ट हमने क्या करा, आगे फैक्टोरियल को ओपन कर दिया सारा, फैक्टोरियल 2n-1 को ओपन करा तो क्या बन गया अंडरूट पाई ओवर 2 की पावर 2n-1 इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3 सो ऑन, ये कम होता चला जाएगा आपका 6 5 4 3 2 1 ये आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में आपके पास फैक्टोरियल n-1 आ रहा है, क्लियर। यहाँ पे अब देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ टर्म्स आपकी क्या हैं ओड होंगी और कुछ आपकी इवंस होंगी, ठीक है। तो ओड वाली हमने अलग कर दी और इवन वाली अलग कर रहे हैं हम, तो हमारे पास क्या बन गया अंडरूट पाई इंटू 2 की पावर 2n-1 इंटू 1 × 3 × 5 ये आपके पास ओड टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। और टर्म्स कहाँ तक आएंगी 2n-1 तक, क्योंकि 2n-1 आपका ओड होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल। और इंटू आपके पास जो इवन टर्म्स हैं वो भी आ जाएंगे 2 × 4 × 6 × 2n-4 × 2n-2, क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास इवन टर्म्स आ रही हैं उसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन निकालेंगे सम में से, तो मेरे पास 2 की पावर कितनी बाहर आ जाएगी 2 की पावर n-1 बाहर आ जाएगी, क्लियर। तो देखिए क्या बना अंडरूट पाई ओवर 2 की पावर 2n-1 इंटू 1 × 3 × 5 × 2n-3 × 2n-1 ओवर n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर n-1 इंटू 1 × 2 × 3 × n-2 × n-1, क्लियर। तो ये बन जाएगा, अब हमारे पास 2 की पावर n-1 आ रही है, इससे कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 की पावर n बच जाएगा, क्लियर। और साथ में n-1 फैक्टोरियल आ रहा है, डिवाइड में भी n-1 फैक्टोरियल आ रहा है, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 की पावर n जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा था उसको क्रॉस दूसरे साइड लेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर n इंटू गामा n+1/2 इज इक्वल टू अंडरूट पाई इंटू 1 × 3 × 5 × 2n-3 × 2n-1, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 12, ये बिल्कुल सेम है, अभी हमने जो एग्जांपल करी थी, ठीक है, तो उससे आप कर सकते हो, अंडरूट 10θ आ रहा है उसको आप साइन और कोस में चेंज करके उसके बाद उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी डुप्लीकेशन फॉर्मूला यूज़ होगा तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो इसका आप आंसर भी नोट कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई इसमें तो आप देख सकते हैं।